नमस्कार बॉलीवुड, मैं राम अपन बॉलीवुड फोटोग्राफर कैमरामैन और आपका दोस्त। अभी मैं आया हूँ मडाईलैंड में और यहाँ पर मेरा एक वीडियो हिंदी फिल्म हिंदी वीडियो एल्बम शूट चालू है जिसके डायरेक्टर है नंद किशोर महतो और हम अभी कर रहे हैं शूट मड में। तो मैं अभी जस्ट पहुँचा हूँ मड में और मुझे जाना है तुलसी विहार नंदनवन के बाजू में और अभी मैं हूँ INS हमला के पास और यहाँ पर एक बस स्टॉप है पटेलवाड़ी बाग हमला में उतरा हूँ। अब मैं जा रहा हूँ, ये देख सकते हैं आप ये जो रोड है ये मडाईलैंड की रोड है और मैं जा रहा हूँ अभी अपने सूट के लोकेशन पे। तो आज मेरा नया सूट, नया दिन, नई चीज़ें हैं और आप देख सकते हैं मेरे साथ मेरी नई शूटिंग किस तरह से कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और हाँ, नेहा कमल लड़की है जो प्रोड्यूस कर रही है, वही हीरोइन है इसमें। और बहुत सालों बाद हमारे गुरुजी, हमारे डायरेक्टर श्री नंद किशोर जी के साथ काम करने का मौका मिलेगा और मुझे खुशी है कि उन्होंने एक बार फिर याद किया और अच्छा लगा। गुरु ने याद किया, अच्छा लगता है जब कोई पुराने हमारे चाहने वाले हमको याद करते हैं शूटिंग के लिए, खासकर हम बॉलीवुड वालों को। तो हम 5 साल बाद उनके साथ काम कर रहे हैं, काफ़ी लंबा गैप रहा हमारे बीच। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट शेड्यूल में। ये मैं जा रहा हूँ आगे, ये जो है तुलसी विहार के लिए हम जा रहे हैं शूट के लिए। मडाईलैंड में आने के लिए आपको जो है मलाड स्टेशन से वेस्ट से आपको बस या ऑटो मिल सकता है मडाईलैंड मड जट्टी के लिए। तो आपको INS हमला में उतरना है इस लोकेशन में आने के लिए। और अगर आप बोरीवली से आ रहे हो तो बोरीवली वेस्ट से आपको बस पकड़नी है और जो है INS हमला में उतरना है। तो अगर आप ऑटो से जाएंगे तो आपका खर्चा 300 के आसपास या 150-250 के आसपास रहेगा दिन में। अगर रात में जा रहे हैं तो बढ़ जाएगा। और अगर बस से आ रहे हैं तो आप 20 रुपये में आसानी से जो है मडाईलैंड हमला या मड के किसी भी क्षेत्र में 20 रुपये में आराम से पहुँच सकते हैं। तो आप आइए और अलग अलग लोकेशन के मजे लीजिए मेरे साथ। ये देखिए रास्ता, हम जा रहे हैं आगे, चल रहे हैं। अभी मैं पहुंच चुका हूँ अपने लोकेशन पे। ये लोकेशन है ये मैं लोकेशन के अंदर जा रहा हूँ। ये तुलसी विहार लोकेशन है, ये देख सकते हैं यहाँ पर शूट चालू स्टार्ट हो चुका है, लाइटिंग वाइटिंग चल के है। ये है तुलसी विहार नंदनवन के बाजू में मडाईलैंड में, ये शूट चालू है, कैमरा लग चुका है। क्या हुआ अंकित, किधर गया विजय भाई, कहाँ गया विजय भाई? ये हमारे हीरो हैं, नहीं बोलेंगे अभी, नहीं बोलेंगे। अच्छा सुनो ना भाई, ये ड्रेस दादा है जो अफ्रीका से आए यहाँ पर, ये गुरुजी हमारे नंद किशोर महतो, इनके साथ काफी सालों बाद काम करने का मौका मिल रहा है। पकड़ के ला, शॉट्स अलग होते हैं जब दोनों को ऐड करना होता है ना। हाँ, और वो पीछे भी बैकग्राउंड में डेकोरेशन थोड़ा अच्छा दिखे सेट का। अभी अभी देखते हैं फिर देखना बैकग्राउंड क्या हो रहा है। ये तुलसी विहार का लोकेशन है, ये देख सकते हैं आप, अभी लाइट जाने वाली है। ये तुलसी विहार का लोकेशन है जिसका कि ये खूबसूरत नज़ारा, यहाँ पे काफ़ी शूटिंग होती है फिल्मों की, सीरियलों की और एल्बम की, एड वगैरह काफ़ी होते हैं। ये तुलसी विहार का बंगलो है जिसमें हम शूट करते हैं, ये हमारी जीवी जीप लगा है। ये लोकेशन काफ़ी शानदार है, पेड़ों के बीच घिरा हुआ है। तो हम आए हैं मड में तुलसी विहार बंगलों में, आज का लोकेशन ये है हमारा। तो हम भी आपको तुलसी विहार के दर्शन करवा दिए, कुछ शूट चल रहा हुआ था, शॉर्ट कट में हम शूट भी दिखाएंगे आपको। वैसे हमारी प्राइवेसी होती है लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि कुछ ही पोर्शन दिखाऊँ जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट ना हो। तो
अच्छा लगा आपसे बात करके और आपसे मुलाकात करके। तुलसी विहार लोकेशन काफ़ी खूबसूरत लोकेशन है, काफ़ी बड़ा लोकेशन है, गार्डन भी है यहाँ पर। और मैं वापस अपने पहाड़ी टोपी के साथ फिर से एक बार आया हूँ। ये हमारा गणपति का सेट लगा हुआ है, ये हमारा माता रानी का जो सेट होगा अभी नाइट शो का, और पूरी यूनिट अभी जो आराम फरमा रही है क्योंकि शूटिंग चालू हो चुकी है लेकिन अभी मेकअप होने में टाइम है। कैसा लगा मेरे को बताइएगा आप अपने कमेंट बॉक्स में या बातों में कि मेरी ये चीज़ें आपको कैसी लगी, और उसके बारे में क्लियर बताइएगा। मैं आपके संपर्क में हूँ और अच्छा लगता है कोई मुझे मेरी गलतियों को बताता है। ये हमारी हीरोइन है मोना जी, ये हेयर ड्रेसर आ रही है साथ में, जी भी जीप आराम फरमा रहे हैं, शूट चालू हुआ और मेरा मेमोरी भी खत्म हो चुका है। आप पंखा लेके आ जाओ, पंखा लेके आ जाओ। नंद किशोर महतो इनके साथ मैंने डायरेक्शन में भी काफी काम किया है, स्पैन करते हुए पानी गिरते जा रहा है, पानी गिर रहा है कंटिन्यूस में देखने के चक्कर में, पानी इधर से गिर रहा है। हाँ सामने दिखे, ये इधर देख लो सर, वायरिंग लगी हुई है। अभी सब प्लीज देवी माता की बात मत करो, अपना ये काम करे करो फिर भटक जाएंगे बिल्कुल।